Hello everybody, welcome back on our YouTube channel Nimbus Learning, powered by Engineers Academy. So dear students, जैसा कि आप सबको पता होगा MRPL, Mangalore Refinery Petrochemicals Limited में interviews schedule हो चुके हैं और आने वाले हर एक particular slot में आपके interviews हैं for the different branches. तो इंटरव्यू में जाने से पहले आपको MRPL के बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए. दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु विल बी अपियरिंग इन द इंटरव्यू. डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द MRPL, क्या प्रोजेक्ट्स हैं MRPL के और कैसे ये इंफॉर्मेशन आपको काम आएगी इंटरव्यू के अंदर, हम आज उसी की बात करने वाले हैं. सो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं ऑल अबाउट द MRPL फॉर योर इंटरव्यू. चलिए डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करते हैं. सबसे पहले तो हमें MRPL की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आपको MRPL की फुल फॉर्म ही ना पता हो. MRPL की फुल फॉर्म क्या है? मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, राइट. इसके बाद में हम आते हैं कि व्हाट इज द MRPL. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे MRPL जो है कैटेगरी वन की मिनी रत्ना सेंट्रल PSU है एंड इट इज एक्वायर्ड बाय द ONGC इन 2003, इन मार्च 2003 ONGC ने एक्वायर कर लिया है MRPL को. यहां पे एक क्वेश्चन और बनता है कि क्या चेयरमैन जो है ONGC और MRPL के सेम है? यस, MRPL को ONGC ने एक्वायर कर लिया है, तो चेयरमैन इज द सेम फॉर द ONGC एंड MRPL. एंड चेयरमैन की अगर हम बात करें तो मिस्टर अरुण कुमार सिंह इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द MRPL. नाउ थर्ड थिंग इज कि MRPL कहां लोकेटेड है. देखिए HR क्वेश्चंस के अंदर इस सिटी के बारे में जरूर पूछा जाता है कि आप यहां पे आए हैं, इस सिटी के बारे में आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं, कैसा लगा आपको ये शहर, क्या आपने शहर घूमा कि नहीं घूमा. तो आप ये अपने माइंड में बैक कैलकुलेशन कर लें कि जब भी आप वेन्यू पे जाएं एटलीस्ट आप कुछ एक दिन पहले जाएं और उस जगह को अच्छे से देख लें, उसकी ब्यूटी को देख लें, ताकि आपको ओवरऑल जो है इंटरव्यू में वो भी काम आएगा. सो MRPL जो है एक ब्यूटीफुल हिली टेरेन नॉर्थ ऑफ बेंगलुरु सिटी के अंदर दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका में सिचुएटेड है, ठीक है. अब हम बात करेंगे कैपेसिटी की कि MRPL की कितनी कैपेसिटी है. इसकी कैपेसिटी है माय डियर 15 MMTPA, मतलब 15 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम. दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द MRPL. यहां पे अगर मैं बात करूं तो MRPL का 440 KTA नोवेलिन गैस फेज एक प्रोपाइलिन प्लांट है जिसके अंदर जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज होता है. किस लिए? कंप्लीट होमोपोलीमर ग्रेड्स बनाने के लिए. सो ये स्पेसिफिकली केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आपसे जिगलर नाटा कैटलिस्ट के बारे में इससे पूछा जा सकता है, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द MRPL. दैट MRPL क्या है? मिनी रत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है. हमने इसके चेयरमैन की बात की, हमने कहां लोकेशन की बात करी, कैपेसिटी की बात करी. माय डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा कि MRPL की कैपेसिटी क्या है, बट इफ यू हैव ओवरऑल आइडिया अबाउट द MRPL, दैट व्हाट इज द MRPL, व्हाट इज द विजन ऑफ MRPL और कैसे आप अपने विजन को उसके विजन से इंक्लाइन करेंगे, कैसे आप अपनी नॉलेज को उस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करेंगे, ये सब आपको काम आएगा. Now students, we will talk about the projects. This is also very very important. You have to be aware about the projects, about the ongoing or upcoming projects of the MRPL. है ना, ताकि this shows कि you are very interested in the MRPL. है ना, you are not interested in any PSU. You can say कि ऐसा नहीं कि आप किसी भी PSU के लिए हैं, मतलब आपका strong inclination दिखाई देगा MRPL की तरफ if you have the strong knowledge about the MRPL. So this is the next section. तो first जो project है MRPL का, दैट इज द मार्केटिंग बेस्ड प्रोजेक्ट. तो मार्केटिंग टर्मिनल बनाया जा रहा है देवंगोठी बैंगलोर के अंदर. तो ये जो टर्मिनल है बेसिकली क्या करेगा, तो इस टर्मिनल का जो स्पेसिफिकली पर्पज है वो कर्नाटका स्टेट को सर्व करना है, ठीक है. नाउ द सेकंड पॉइंट इज ये एक मार्केटिंग टर्मिनल बनाया जाएगा जिससे यहाँ पे जो भी आपके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होंगे इस टर्मिनल से बाद में बाय द टैंक रोड्स रिटेलर्स कस्टमर्स, मतलब जो भी जिसका भी बिजनेस है वो वहाँ पे जाएगा, रिटेलर्स के पास, कस्टमर्स के पास, है ना, फ्यूल स्टेशंस के पास जाएगा. तो ये एक मार्केटिंग टर्मिनल बन रहा है. सेकेंड जो है वो बन रहा है आपका 2G इथेनॉल प्रोजेक्ट बन रहा है इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका. ये आपका सेकेंड प्रोजेक्ट है. थर्ड प्रोजेक्ट इज CCR1 रीवैम्प.
तो ये CCR1 रिवैम्प क्या है, अब एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखो ये यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है स्पेसिफिकली मैकेनिकल एंड केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। देखिए यहां पे क्या होगा, जो आपके हैवी नेफ्था फीड स्टॉक्स है ना जो हैवी नेफ्थाज हैं, उनको हाई ऑक्टेन रिफॉर्मेट फॉर गैसोलीन ब्लेंडिंग में यूज किया जाएगा। मतलब हैवी नेफ्था जो आपका फीड स्टॉक है उसको गैसोलीन में कन्वर्ट किया जाएगा, एंड हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस की जाएगी। किसके लिए? हाइड्रो ट्रीटिंग के लिए और हाइड्रो क्रैकिंग के लिए। तो हम सबको पता है कि हाइड्रो क्रैकिंग जो है आपका, वो क्रैकिंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो इसकी हाइड्रोजन की आवश्यकता है। तो जहां की जो ये इसकी जो डिमांड है हाइड्रोजन की, अब वो CCR1 रिवैम्प से क्या की जाएगी, फुलफिल की जाएगी, ठीक है। ये हो गया। फोर्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछ सकते हैं क्या कि इसके विजन में एक बात एडेड है MRPL के विजन में, कि ये एनवायरनमेंट को भी देखते हुए जो ह्यूमन काइंड से उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट इज दैट प्रोजेक्ट जो MRPL बेसिकली एनवायरनमेंट के लिए कर रहा है, या एनवायरनमेंट के लिए क्या प्रोजेक्ट है MRPL के लिए। सो दिस फोर्थ प्रोजेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये फोर्थ प्रोजेक्ट क्या है, दैट इज PFCC फ्ल्यू गैस वैट स्क्रबर सिस्टम। अब ये PFCC क्या है, ये FCC ही है ना, ये FCC ही है, व्हाट इज फ्लूडाइज्ड कैटालिटिक क्रैकिंग, है ना। तो ये P लगा दिया हमने, दैट इज द पेट्रोकेमिकल फ्लूडाइज्ड कैटालिटिक क्रैकिंग माय डियर, ठीक है। तो आप सबको पता है FCC में क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, देखो ऐसा बोलते कि FCC के अंदर जो क्रैक नहीं हो सकता वो सब कुछ क्रैक हो सकता है FCC के अंदर, किसी और से क्रैक नहीं होगा तो FCC में डाल दो क्रैक कर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी आपको ये प्रोजेक्ट आपको पता होना चाहिए, इसका टेक्निकलिटीज पता होनी चाहिए मैकेनिकल एंड केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, और ये प्रोजेक्ट किस रिगार्ड है, किसके रिगार्डिंग है, ये हर एक ब्रांच के स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो कोई अदर ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए कि PFCC फ्ल्यू गैस वैट स्क्रबर सिस्टम एक प्रोजेक्ट है जो इन्वायरमेंट के लिए है। कैसे इन्वायरमेंट के लिए? फ्ल्यू गैसेस के अंदर जो SPM है, सस्पेंडिंग पर्टिकुलेट्स जो हैं उनको रिड्यूस करने के लिए ये वेट स्क्रबर सिस्टम है आपका, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एनवायरमेंट प्रोस्पेक्टिव जो सब ब्रांचेस को होना चाहिए। नाउ फॉर द केमिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स माय डियर, PFCC क्या करता है आपका, जो भी हाइड्रो क्रैकिंग यूनिट से अनकन्वर्टेड आएगा, अनकन्वर्टेड हाइड्रोकार्बन आएंगे आपके, लो सल्फर वैक्यूम गैस ऑयल होगा या हाइड्रो ट्रीटेड हैवी कोकस गैस ऑयल होगा, उन सबको क्रैक किया जाएगा PFCC के अंदर और उससे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाया जाएगा, जैसे कि प्रोपाइलीन, ठीक है। सो दीज आर द प्रोजेक्ट्स, और इनकी आपको यू कैन से कि पता होना चाहिए कि किस एरियाज में है ये। जैसे ये मार्केटिंग के लिए है, ये इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए है, ये आपका हाइड्रोजन की डिमांड और जो आपका अनकन्वर्टेड फीड स्टॉक रह जाता है उसको दोबारा से एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, ये एनवायरनमेंट के लिए है और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने के लिए भी है ना। तो ये आपको बेसिकली पता होने चाहिए इसके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, राइट। सो आई होप कि आपको ये स्लाइड भी क्लियर होगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट इज द MRPL एंड ऑल दैट एंड व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स, ये मैंने आपको एकदम तरीके से बता दिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, MRPL के लिए हर एक ब्रांच के लिए मॉक इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं। यू कैन रीच अस, कैसे रीच कर सकते हैं आप इस वीडियो के गूगल फॉर्म में, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे गूगल फॉर्म मिलेगा, फिलआउट कीजिए, हमारे एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेंगे और आपका मॉक अरेंज करेंगे, और यू कैन कॉल अस एट द नंबर 7233993000, ठीक है। इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट आप अपनी क्वेरी भी डाल सकते हैं, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन के लिए एंड मॉक इंटरव्यूज के लिए आप बेशक जो है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो है निम्बस का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज के बारे में, ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। हाँ, अब इसकी जो टेक्निकलिटीज हैं ना फॉर द स्पेसिफिकली केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ कि क्या टेक्नोलॉजी में काम करता है और कैसे हमें इन क्वेश्चंस को टैकल करना है, क्या क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, पूरा MRPL जिस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जिस सेगमेंट में काम करता है, पूरा एक टेक्निकल वीडियो उसके ऊपर आने वाला है केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो बने रहना इस चैनल के साथ में, और मॉक इंटरव्यूज के लिए और ग्रुप डिस्कशन के लिए फटाफट से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके गूगल फॉर्म को फिल आउट कर दीजिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू।
If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.